हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करेंगे मैसेजेस फ्रॉम लॉर्ड हनुमान। बजरंगबली आप सबको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या है उनकी गाइडेंस आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपके सिचुएशन के लिए। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ये जनरल रीडिंग होगी और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन सबसे एनर्जीज कनेक्ट होंगी आपस में लॉर्ड हनुमान की, और आपको डेफिनेटली कोई ना कोई हेल्प गाइडेंस इस रीडिंग के थ्रू मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, और जरूर लिखना कमेंट सेक्शन में जय श्री राम, जय बजरंगबली। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। वी हैव ट्रूथ एंड वी हैव बैलेंस, वी हैव डेस्टिनी एंड वी हैव ट्रायम्फ। व्हाट अ कोइंसिडेंस, आपके लिए चारों कार्ड्स जो हैं वो मेजर अरकाना से ही आए हैं, विच इज़ द बैलेंस कार्ड, जस्टिस कार्ड, डेस्टिनी कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, चैरियट कार्ड एंड वी हैव द जजमेंट कार्ड। चारों कार्ड आपके लिए फ्रॉम द मेजर अरकाना आए हैं। इट मीन्स कोई मेजर बिग चेंज आ रहा है, कुछ मेजर ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में लॉर्ड हनुमान लेके आ रहे हैं। आपकी जीत होने वाली है। आप जिस भी चीज़ में अभी लगे हुए हो, जिस भी काम में आप अभी जो भी काम कर रहे हो, आप जो भी आपका सपना है ना, वो आपका सच होगा। आप बिल्कुल भी हिम्मत मत हारना। लॉर्ड हनुमान ये कह रहे हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आपका लक फेवर नहीं करता है, आपकी डेस्टिनी आपका साथ नहीं देती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, पर कभी कभी डिवाइन टाइमिंग होता है तो उस वक्त वो चीज़ नहीं होने की होती है। पर अब आपका डिवाइन टाइमिंग आने वाला है, अब आपकी लाइफ में अच्छा होने वाला है, आपकी लाइफ में ये बैलेंस आ रहा है जो आप बहुत वक्त से चाह रहे हो, आपकी लाइफ में ये विक्ट्री आ रही है, आपकी किस्मत आपका साथ देगी। अभी तक सारे इवेंट्स आपके ऑपोजिट हो रहे थे, हर कोई आपको गलत समझ रहा था, आपको कोई अंडरस्टैंड नहीं कर रहा था, आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा पॉजिटिव नहीं हो रहा था, लेकिन अब आपका टाइम आने वाला है, अब आपकी जीत निश्चित है। और जहाँ जहाँ भी आप गलत साबित हुए हो, जहाँ जहाँ आप सही होने के बावजूद भी आपको रॉन्ग प्रूफ करा गया है, वो जस्टिस जो है वो हनुमान जी खुद देंगे। आपका जो सच है, आपकी जो सच्चाई है, वो खुद दुनिया के सामने आएगी, खुद उन लोगों के सामने आएगी। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखना है, आपको अपने दिमाग को शांत रखना है, आपको अपने काम पे ध्यान देना है, क्योंकि डिवाइन जजमेंट होने वाला है आपके लिए। तो आपको इस टाइम कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो आपके ऑपोजिट जाए। आपको अच्छा काम करना है, आपको अपनी सोच पॉजिटिव रखनी है, और आपको बस ये सोचना है कि लाइफ में कैसे आगे बढ़ा जाए। जो भी काम अभी आप कर रहे हो, आपकी उसमें जीत पक्की है। आपका जो भी कोई प्रोजेक्ट है, कोई पढ़ाई है, कोई जॉब है, कोई रिलेशनशिप है, सब अच्छा जाएगा, सब पॉजिटिव होगा उसमें। अब आप एक टूवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन ही बढ़ोगे अपनी ज़िंदगी में। ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है ये आपके फेवर में ही होगा। डेस्टिनी आपका साथ देगी, आपकी एनर्जीज अलाइंड रहेंगी, क्योंकि हनुमान जी कृपा आपके साथ है, और कुछ मेजर पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगे। यहाँ से देखते हैं हम, और देखते हैं मैसेजेस। ओके, सो वी हैव सेलिब्रेशन, फन, एन्जॉयमेंट। तो अब सेलिब्रेशन का टाइम है, कुछ अच्छी खबर आने वाली है, तो आप उसको सेलिब्रेट करोगे। एक ऐसी खबर जो आपको उस शायद उस न्यूज़ का बहुत वक्त से इंतज़ार है, तो वो न्यूज़ आएगी और आप सेलिब्रेट करोगे, इन्जॉय करोगे। अब आपके सेलिब्रेशन का टाइम है, अब इन्जॉयमेंट का टाइम आ रहा है। बिवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड। तो चाहे आपके पास दुनिया भर की सारी चीज़ें आ जाए, हर चीज़ मिल जाए आपको, कभी भी उस चीज़ पे घमंड मत करना। बिकॉज हनुमान जी के पास इतनी पावर्स थी, पावर्स हैं, बट उन्होंने कभी भी अपनी किसी पावर पे घमंड नहीं किया। तो आपको भी वो घमंड नहीं करना है, प्राइड नहीं लानी है अपने अंदर, हमेशा डाउन टू अर्थ रहना है। यही चाहते हैं हनुमान जी आपसे। बुल, डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम ऑपोजिशन, शो स्ट्रेंथ एंड फोर्टिट्यूड। अभी ऐसी सिचुएशंस हैं या ऐसे लोग हैं जो आपको गिराना चाहते हैं, जो आपको हराना चाहते हैं, राइट, वो आपको डराना चाहते हैं, पर आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। बिकॉज आपको ये बात याद रखनी, आपके साथ हनुमान जी हैं, और जिनके साथ हनुमान जी हैं उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आपको एकदम निडर होके लाइफ में आगे बढ़ना है।
एंजल, हाउ ब्यूटीफुल कार्ड, स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म. तो एंजल आपकी, जिनको भी आप मानते हैं अपनी लाइफ में, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स, वो आपके साथ हैं और हनुमान आपके साथ हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं हर हार्म से, हर ईवल आई से, हर इंजरी से, हर बुरी चीज़ से आपकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं हनुमान जी. यहाँ से देखते हैं आपके लिए और मैसेजेस. वी हैव इम्पास, रिफ्लेक्ट एंड रीडायरेक्ट योर एनर्जी. तो अभी टाइम है आपकी, आपको अपनी एनर्जीज को रिफ्लेक्ट करने का, रीडायरेक्ट करने का इन दी राइट डायरेक्शन. क्योंकि अगर आपका ध्यान ऐसी चीज़ों पे है अभी की जहाँ आपका नहीं होना चाहिए, जहाँ पे फालतू की आर्ग्यूमेंट्स पे, नेगेटिविटी पे, तो वहाँ से अपना ध्यान हटाओ और अपना ध्यान लगाओ दूसरी जगह पे जो इस टाइम इम्पॉर्टेंट है, अपनी सक्सेस पे, अपनी ग्रोथ पे, आपकी लाइफ के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे, और जो लोग आपसे प्यार करते हैं उन पे, ना कि नेगेटिव लोगों पे या नेगेटिव सिचुएशंस पे. देन वी अ वंड्रस यूनिवर्स, वॉक इन ब्यूटी. यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता. देन वी हैव फाइंडिंग सेंचुरी, ओपनिंग टू योर स्पिरिचुअल सोर्स. हमेशा अपने स्पिरिट गाइड्स, अपने स्पिरिचुअल सोर्सेस के साथ कनेक्टेड रहिएगा, बिकॉज वो कहीं ना कहीं आपकी, एक तो आपको पॉजिटिविटी देते हैं वो, और आपकी हेल्प करते हैं, आपको गाइडेंस देते हैं. तो ऑलवेज बी कनेक्टेड टू योर स्पिरिचुअल साइड. देन वी हैव जॉय एंड डिलाइट, ओपन योर हार्ट टू जॉय. तो आपकी लाइफ में कोई मेजर गुड न्यूज़ आने वाली है, उस वजह से आप बहुत खुश होने वाले हो, आपका जो दिल है वो गार्डन गार्डन होने वाला है, और आप डिवाइन को, एंजल्स को आप थैंक यू बोलने वाले हो इतनी बड़ी गुड न्यूज़ के लिए. यहाँ से देखते हैं. सो वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स. सो अभी डिस्पाइट दी ऑड्स आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, हिम्मत नहीं हारनी है. ऑफकोर्स चैलेंजेस बहुत हैं, वजह बहुत हैं गिव अप करने की, लाइफ में आगे ना बढ़ने की और नेगेटिव सोचने की, बट आपको मजबूत रहना है, आपको डरना नहीं है, और डिस्पाइट चैलेंजेस बस आगे बढ़ते रहो, बिकॉज आपको नहीं पता आगे आपके लिए कितना कुछ अच्छा प्लान हो रखा है. किंग ऑफ कप्स, अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस पे वर्क करो. आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस इम्प्रूवमेंट का टाइम है. अभी तक आप काफ़ी ज़्यादा ओवर इमोशनल थे, पर आपको अपने इमोशंस को संभालना आता है. अब आपको पता है कि कहाँ किसके लिए कितना इमोशनल होना है, किसके लिए नहीं होना है, राइट, और कौन आपका इमोशनली फ़ायदा उठाता है. तो यू नो एवरी थिंग. सो किंग ऑफ कप्स का ये, और एक हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन करके रखना, कि ये नहीं कि आप हर किसी को अपनी उस बाउंड्री में अलाउ कर रहे हो कि वो आपके साथ खेल के जाए या आपको इमोशनली हर्ट करे. हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है. वी हैव द टावर कार्ड. ऐसे रिश्ते जो आपके लिए सही नहीं है, ऐसी सिचुएशंस जो आपके लिए सही नहीं है, जो नेगेटिव हैं, उसको आपकी लाइफ से हटाया जाएगा, आपके सामने रिवील करा जाएगा फेस ऐसे लोगों का, या ऐसी नेगेटिविटी का जो आपके लिए सही नहीं है, और कहीं ना कहीं वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से चले जाएंगे. देन वी हैव इज दी सेवन ऑफ वॉन्ड्स. ऑफकोर्स सिचुएशंस टफ है, बट आप भी ज़्यादा टफ हो, आप गिव अप करने वालों में से नहीं हो, और यही बात हनुमान जी को आपकी बहुत पसंद है कि आप बहुत स्ट्रांग हो, आप गिव अप नहीं करते हो, तो तभी वो आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, बिकॉज वो देख रहे हैं कि आप कितना हार्डवर्क कर रहे हो, आप कितना डेडिकेशन है आप में, कि आप इतने प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी आप जो है, आपकी जो हिम्मत है वो ख़त्म नहीं हुई है. चलिए लास्ट एडवाइजेस देख लेते हैं हम. एम्ब्रेस द फ्लो ऑफ लाइफ. तो फ्लो ऑफ लाइफ, गो विद द फ्लो. ओके, टेंशन मत लो, एवरीथिंग विल बी फाइन, जस्ट गो विद द फ्लो. देन वी हैव लेट योर फियर्स डिजॉल्व. जो भी डर है आपके अंदर वो छोड़ दो, वो हनुमान जी के ऊपर छोड़ दो, वो संभाल लेंगे. आप अपना काम करो, सो डरो मत किसी चीज़ से. ब्रीथ थ्रू दी टेंशन. टेंशन मत लो, डीप ब्रीदिंग करो. जब भी टेंशन हो तो डीप ब्रीदिंग करो. ओके, एंड देन यू विल रियलाइज कि कैसे वो टेंशन का सोल्यूशन आपको मिल रहा है. एंड वर्क थ्रू योर फीलिंग्स. तो आपकी फीलिंग्स जो भी हैं, जो भी आपको गट फीलिंग कह रही है कि आपको ये करना चाहिए, तो आपको वो करना चाहिए. सो अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, वर्क थ्रू योर फीलिंग्स, एंड यू विल रियलाइज कि बहुत सारे सवालों के जो जवाब है ना, वो आपके अंदर ही हैं, बस आप उसे पहचान नहीं पा रहे हो. आपको बस पहचानने की देर है. बाकी हनुमान जी तो हैं आपको संभालने के लिए, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, और आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा.
ओके सो गाइस, ये है आपकी रीडिंग मैसेजेस फ्रॉम लॉर्ड हनुमान। आई होप कि आपको हेल्प गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर।